बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ इस वक्त बाइक पर मुजफ्फराबाद के इस रोड पर, और मेरे साथ साथ झेलम रिवर भी चल रहा है। हम ऐसी मुसाफत में निकले हैं, मोटर बाइक की हमें सहूलत मैसर आ गई है। यहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत ही अच्छे मेहरबान यहाँ पर हैं, जो इस तरह की सहूलियात देने में ज़रा भी नहीं झिझके। यकीन करें, कराची होता, लाहौर होता, तो शायद किसी अनजान आदमी को इस तरह से अपनी अपने सामान आप हवाले नहीं करते। मोटरसाइकिल तो बड़ी बात है, लेकिन हम भी उनके साथ ईमानदारी के साथ उनके साथ हम पेश आएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। पेट्रोल पंप है यहाँ मुजफ्फराबाद में, जहाँ हम आए थे कुछ ख़रीदारी करने। ये हमारा भाई है, ये हमें रोज़ मिलता है। हम यहाँ से स्टेडियम जाते हैं ना, तो हमें रोज़ मिलता है, और रोज़ बड़ी अच्छी तरह हमें मिलता है। सलाम करो। वो अच्छा, मैं आपको बता दूँ, सुन नहीं पाते ये, ना ही बोल पाते, लेकिन सुन लेते हो, बोल लेते हो, बोल नहीं पाते, सुन लेते हैं, लेकिन ही इज़ अ गुड मैन, गुड मैन रियली, बहुत अच्छे आदमी है ये। और कैरियर से हो, सलाम करो सबको ऐसे। अच्छा जी, ये है मुजफ्फराबाद की एंट्रेंस पर, ये आबशार देखिए आ रहा है, ये आबशार आ रहा है ऊपर से, और ये गिर रहा है दरियाए झेलम। ये खूबसूरत मनाजिर भी आपको मैं दिखाता चलूँ मुजफ्फराबाद में। जैसे मैंने कहा था कि हमारा आज आखिरी रोज़ है, तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे जितने मुझे नज़र आते जा रहे हैं, मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ। तो अब हमने वापसी का सफ़र अपना शुरू कर दिया है। मुजफ्फराबाद रोड पर हम वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स दी एक्सटीरियर कॉर्नर ऑफ दिस रोड, जो शुरुआत है। तो मुजफ्फराबाद में हमारा सफ़र का भी आज आखिरी रोज़ है। ये फैसल अथर है, ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और मोटरसाइकिल चलाने में ये मास्टर है मुझे लगता है। तो फैसल अथर, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत चैलेंजिंग, और जितनी तारीफ़ करूँ वो कम। ख़ास खूबसूरती है जो सबको अट्रैक्ट करती है। सो इससे आगे मैं क्या कहूँ, ये आप अंदाज़ा जब ही करेंगे जब यहाँ मौजूद होंगे। कमाल की आपकी दिलकश नज़ारे और ये वादियाँ। चले तो फैसल अथर की इस बात के साथ ना मैं ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आना होगा, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा जो भी मैंने यहाँ देखा। और आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ आइए ज़रूर। यहाँ पर जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और बहुत मुनासिब रेट पर यहाँ पर आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी। कुछ मसाइल यहाँ पर ट्रैवलिंग के हिसाब से भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर रिवाज नहीं है जहाँ तक हमने देखा। तो बहरहाल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ट्रूली अ पैराडाइज इन दिस वर्ल्ड। मैं इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफ़िज़।